कसरावत तहसील के ग्राम बोथू स्थित नर्मदा तट पर सहस्त्र धारा में खेलो इंडिया 2022 के अंतर्गत केनो सलालम प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें देश भर से आए खिलाड़ियों ने भाग लिया था। नर्मदा की अटखेलियां करती लहरों के बीच रोमांचक एवं बहादुरी भरे खेल का प्रदर्शन किया एवं प्राकृतिक जल धाराओं को चीरते हुए महिला वर्ग में भोपाल की मानसी बाथम ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। वहीं पुरुष वर्ग में प्रद्युमन सिंह राठौर ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। विजेताओं को सम्मानित करने के लिए प्रभारी मंत्री कमल पटेल नौका द्वारा सहस्त्र धारा पहुंचे एवं विजेता खिलाड़ियों को मेडल प्रदान किए। नर्मदा तट पर मेडल सेरेमनी के बाद राष्ट्रगान गाया गया। इस दौरान नर्मदा तट पर खिलाड़ी अधिकारी और विजेताओं के परिजनों का सर गर्व से ऊंचा हुआ। जैसे ही राष्ट्रगान की धुन शुरू हुई, सभी के दिल से राष्ट्रगान के स्वर उभरने लगे। पत्रकारों से चर्चा करते हुए मंत्री कमल पटेल ने प्रतियोगिता स्थल पहुंच मार्ग को बड़ा एवं व्यवस्थित बनाने के लिए फंड उपलब्ध कराने की बात कही तथा कसरावत क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने की भी बात कही। इस दौरान कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा, एसपी श्री धर्मवीर सिंह, एसडीएम श्री अग्रिम कुमार, नेशनल फेडरेशन व कैनोइंग व कयाकिंग के प्रेसिडेंट श्री प्रशांत कुशवाहा, खेल अधिकारी श्रीमती पवि दुबे, प्रतियोगिता मैनेजर बिल्किस मिर व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। के बारे में पूछा अपने क्षेत्र सर, निश्चित ही खुशी हुई कि आपने कसरावत क्षेत्र के लिए भी कुछ मांगे मानी और कसरावत को भी कुछ देने का वादा किया। क्या मिल जाएगा जल्दी से जल्दी कसरावत? कसरावत में अभी मैंने एक रोड की घोषणा की है, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, पूर्व विधायक आत्माराम जी ने, हमारे जीतू भाई ने इन्हें प्रस्ताव दिए हैं। साथ सड़कों के बहुत जरूरी है, जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने वो सब मैं स्वीकृत कर रहा हूँ। सर, इस खेल की शुरुआत में एक दुर्घटना घटी थी, दुर्भाग्यवश हमने एक खिलाड़ी को खो दिया था, दिल्ली का था सर, उसके लिए कोई घोषणा होगी? सुरक्षित है? नहीं सर, शांत सर, उसकी कोई मदद नहीं हुई इसमें कुछ? आप आपकी तरफ से कुछ उनकी मदद कराएंगे? सरकार करेगी, सबकी मदद के लिए बैठे हैं सर। और जैसे कि पिकनिक स्पॉट के लिए आपने कहा है, घोषणा की है, पर यहाँ फिर भी ठहरने के लिए व्यवस्था नहीं, उसके लिए कुछ इंतजाम हो जाए? इस प्रकार हनुमंतिया में पर्यटन का विकास हुआ, भविष्य में इसका भी हम करेंगे। और यहाँ तो, यहाँ के तो, इस जिले के तो सुभाष यादव जी कितने साल तक उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कभी इसका कुछ भी नहीं किया। सड़क जो भी कुछ विकास हो रहा है इस जिले का, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शुरू है। सौभाग्य की बात है कि ये केनो सलालम का क्षेत्र है। अभी विकास यात्रा चल रही है, 5 फरवरी से लेकर 25 तक। इसके पहले हमने, जब मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान चला, उसके पहले हमने आपकी समस्या का हल आपके घर में प्रभारी मंत्री बनते हुए पहली सभा में मैंने कहा था, जिससे हमने हजारों आदिवासियों के गरीबी रेखा में नाम जोड़े, हमने प्रमाण जाति प्रमाण पत्र दिया, संबल कार्ड जो नाम कांग्रेस के समय 15 महीने में कट गए थे गरीबों के, वो हमने जोड़े। इन्होंने तो 5,000 के अंत्येष्टि के भी पैसे बंद कर दिए थे, सरकार बोले पैसा नहीं है। 2,00,000 रुपये दुर्घटना होने पे मजदूर को मिलते थे, सामान्य मृत्यु को मिलते थे 18-60 साल के बीच में, वो बंद कर दिए। 4,00,000 दुर्घटना मिलते थे, वो बंद कर दिए। बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दी, सारे विकास के काम बंद कर दिए थे। किसानों को प्रीमियम नहीं जमा किया, बीमा नहीं मिला 15 महीने में 1 रुपये, और किसानों को धोखा देकर 2,00,000 का कर्जा माफ़ कर देंगे, और ये सब महिलाओं के समूह का कर्जा माफ़ कर देंगे, और ढोर चराने वालों को 4,00,000 रुपये महीना भत्ता देंगे, और 1,000 गरीब बधवा सबको, किसी को नहीं, और डेरिंग वेतन भोगी को रेगुलर कर देंगे। एक काम नहीं किया, और इसलिए जनता ने इनको धक्का दिया। अब फिर वही राग अलाप रहे,
पहले तो वही कहते हैं कि बस 8 महीने बाद में मुख्यमंत्री बन रहा हूँ, कमलनाथ ने घोषणा ही कर दी, पोस्टर चिपक गए और बोले चक्की बारीक पीस थी, सबको अधिकारी कर्मचारियों को धमकाने लगे। लेकिन जब उनकी सर्वे रिपोर्ट आई तो उसमें तो सफाया होना है, तो अब हट गए। बोले मैं मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखना चाहता हूँ, इसका मतलब कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस का भविष्य, उनके लिए मध्य प्रदेश का भविष्य नहीं कांग्रेस का भविष्य, उनको मध्य प्रदेश तो देश से कोई लेना देना नहीं कांग्रेस को, अगर लेना देना होता तो 60 साल। निश्चित ही आप देख रहे हैं मेरे पीछे नर्मदा की सहस्त्र धारा का विहंगम दृश्य। यहाँ नर्मदा अपने जो है तो बहुत ही खूबसूरत चंचल से रूप में बहती दिखाई देती है, सैकड़ों धाराओं के रूप में ऐसा लगता है जैसे कि छोटी छोटी धाराओं में दूध की नदी सी बह रही हो। और ये जो क्षेत्र है वो केनोसलालम के लिए चुना गया है, केनोसलालम का जो ट्रैक बना है अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर इसका ख्याति होती जा रही है, जिस तरीके से इस पर प्रतियोगिताएँ बढ़ती चली जा रही है। निश्चित ही ये देश के लिए एक नया ट्रैक उभर कर आया है। और अभी फिलहाल आपने देखा होगा कि मंत्री कमल पटेल जी भी आए थे और उन्होंने यहाँ पर जो पिछले दिनों खेल का महाकुंभ सा लगा था और केनोसलालम के लिए देश भर से जो खिलाड़ी आए थे उन्होंने अपनी अपनी प्रतिभाओं का जो प्रदर्शन किया, उसमें जो प्रथम और द्वितीय तृतीय स्थान पर जो भी खिलाड़ी रहे उनको मंत्री कमल पटेल ने सम्मानित भी किया। कैमरामैन अबरार खान के साथ आकिल खान, SW News के साथ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW 24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।